प्रथम क्वेश्चन तुमको सामने रे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो जोटा हूँ प्रथम क्वेश्चन जीन पियाजेट संपर्क रे जीन पियाजेट संपर्क रे एडोलेसेंस स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज कमेंट सेक्शन कमेंट करो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट करो एडोलेसेंस स्टेज विशेष करके जब आम कह जो पियाजेट रही एडोलेसेंस स्टेज यहाँ आप रेफर करुच्चे कमेंट सेक्शन कमेंट करो लाइक करो शेयर करो कहो करेक्ट आंसर कौन हम एडोलेसेंस स्टेज आपंकर पियाजेट कौ स्टेज को रेफर करुच्चे एडोलेसेंस स्टेज कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया निश्चित भाव में जो मैंने जोरदार प्रिपेरेसन कर बहुत सारा पिला कहते सर फॉर्मल स्टेज हम निश्चित भाव में फॉर्मल स्टेज हम यार करेक्ट आंसर आम जानते समस्ते फॉर्मल स्टेज जोटा कि आपंकर 11 वर्ष बा 12 वर्ष रु अधिक हमें फॉर्मल स्टेज बोली आम कह जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन होना व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हो पारे नंबर देख मु ऑलरेडी पिन सेक्शन में पिन कर देती निश्चित भाव में व्हाट्सएप निजर नेम को मेनसन कर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार जे हाउ मेनि स्टेजेस आर गिवेन बाय द एरिक्सन इन द साइको सोशल डेवलपमेंट जो एरिक्सन देते साइको सोशल डेवलपमेंट समस्त जानी तो एथिरे से केतोटी स्टेज देते आज पूरा अनअकाडेमी स्टाइल निश्चित भाव में तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कर निश्चित भाव में मेसेज कर जॉइन करदेवि व्यस्त हुए तो करेक्ट आंसर कौन हम जो मैंने आठटी स्टेज देते करेक्ट आंसर अच्छी एटा समस्ते जानी तो तुम एरिक्सन आठटी स्टेज देते कतोटी स्टेज देते आठटी स्टेज देते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कही जदि आम गोटे आसेसमेंट टूल रो कैरेक्टर को जदि आम देखा या भितर कौटा गोटे गुड आसेसमेंट टूल भितर आसीबो नहीं तो ऑप्शन अच्छे रिलायबिलिटी वैलिडिटी प्रैक्टिकेबिलिटी आउट अच्छे अडैप्टेबिलिटी कौटा हम करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन कमेंट करो लाइक करो शेयर करो राति 9टा बेले पुणी आम फेर तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर निश्चित भाव में तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम जे कौटा गोटे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट टूल प्रथम अच्छी रिलायबिलिटी तापर अच्छी वैलिडिटी तापर अच्छी प्रैक्टिकेबिलिटी तापर अच्छी आपंकर अडैप्टेबिलिटी तो कौटा हम करेक्ट आंसर वेरी गुड आपंकर रिलायबिलिटी जानते रिलायबल रहा दरकार वैलिड रहा दरकार आउ सेटा व्यवहार योग्य हो तार आम प्राक्टिकाल यूजेस कर पार्थ्वा तेल बाकी हम ना कौटा निश्चित भाव में करेक्ट आंसर होपर ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर क्या सहित जीव ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर अडैप्टेबिलिटी ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तो 9:15 है चलो नेक्स्ट कहो क्विज आर यूज एज ए फॉर्म ऑफ डैश क्विज गुड़ा को फॉर्म रे यूज करा जाए समेटिव रे डायग्नोस्टिक रे इंटरिम असेसमेंट आउ गोटे अच्छी तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटा हम करेक्ट आंसर क्विज गुड़ाक आपको पचार क्विज गुड़ाक कौ फॉर्म ऑफ असेसमेंट रे यूज करा जाए क्विज वेरी गुड क्विज को आम यूज करमेटिव्रे आम यूज करमेटिव्रे आम यूज करेणु क्विजटा को आम फर्मेटिव्रे यूज कर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया निश्चित भाव में तो कैमेरा को आसवर मूल कारण हूँ मैडम को स्पेशल फरमाइज थी तो आज टे कैमेरा देखिक पढ़ाओ मैंने हो है पढ़ाई दवा किसी असुविधा ना बहुत दिन है कैमेर पढ़े ना ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहे देयर आर 63 स्टूडेंट्स इन ए क्लास गोटे क्लास 63 जन स्टूडेंट थे जदि आम देखा आरटी एक्ट अनुसार 2009 अनुसार तो केतेज टीचर एथेर रे केतेज टीचर एथेर रे तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर तो कहो करेक्ट आंसर जे केतेज टीचर एथेर रे 63 जन तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर खुशी लगुच सबुदिन करवा निश्चित भाव में ये खाली गोटे पुल सिस्टम आसुनी नचे पुल सिस्टम आसे आम निश्चित भाव में टे भल हाँ तथा आम चेषा करुचु गोटे कौन गोटे करवाई है तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर जदि आम आरटी एक्ट 2009 अनुसार देखा जे एर केतज टीचर रे वेरी गुड आम समस्ते जानते 30 अनुपात आपणकर गोटे टीचर रे
तो षाठिए दुईज तेणु 63 होगी मैंने तीन जन दुईज रही भी हम किसी असुविधा ना सो दुईज टीचर को भी असाइन करहब किसी असुविधा ना तो आम से रेसीो अनुसार जी देखा तीन हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। हाँ पुल टी होते भल होता कि जेहेतु पुल सिस्टम यूट्यूब दौना तो प्राय मत लगुच आगामी दिन मानक अपडेट हो बुझिपारुच अपडेट हो तेणु समस्ते 9:15 आसव तुम मैंने आसुन सत कथा अरे क्लास आम करुचु परिश्रम करके क्लास करुचु कि तुम मैंने आसुन बुझिपारुच ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही ह्वाट इज द ह्वाट आर द फॉर्मूला ऑफ लैंग्वेज इन एनसीएफ 2005 कौन हम करेक्ट आंसर थ्री लैंग्वेज बायलैंग्वल पॉलिसी ओनली मटर लैंग्वेज ना आपंकर टू लैंग्वेज पॉलिसी कौन हम करेक्ट आंसर कह करेक्ट आंसर कौन हम भल लगुच केतेज पिला कौन सर बहुत बढ़िया लगुच ठीक अच्छे थैंक यू निश्चित भाव में तो से खुशी आम ग्लासटा को पिंधवा ओके तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर क्वेश्चन पचार जदि आम देखा हो लैंग्वेज फर्मूला एनसीएफ 2005 अनुसार तो कौन हम करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर होमें देखा यहाँ हूँ थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आसव तेणु ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी हम करेक्ट आंसर बुझा पड़ा समस्त को आगे बढ़िया बहुत बढ़िया सांग मानक सेयार कर दिव समस्ते जॉइन हो पारे चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कही एट डेस्ट स्टेज द चाइल्ड डेवलप्स एंड मास्टर द कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल पिलाटी कौ समय तार जो रही कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल गुड़ाक पिला शिखिपा ऑप्शन अच्छे इन्फेंसी स्टेज रे ना आपणकर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रे ना आपणकर लेटर चाइल्डहुड रे ना एडोलेसेंस रे करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर अनअकाडेमी फेर फेर व्यस्त हुए फेर तो जहाँ लगुच फेरी पारे फेरला भल कता जी न फेर आम कौन कर बुझिपारुच तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया आम समस्ते जानते रिफ्लेक्स आक्शन बाबद समस्त पढ़ी कौन ना पियाजेट सेंसरी मोटर स्टेज रे देखा जाए जन्म रु 2 वर्ष भितर तेणु करेक्ट आंसर हो जो मैंने इनफान्सी से आंसर ठीक अच्छे जन्म रु 2 वर्ष भितर पिलार मोटर स्किलटा अति अधिक देखा जाए जोटा कि रिफ्लेक्स आक्शन आपस्ते पढ़ी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कही फ्लुइड एंड क्रिस्टलाइज मुझको जो मैंने बीएड पर आम स्पेशली पेडबेज्रे अच्छा तो बीएड पर जो मैंने क्लास करूँ कि आमर गत काली जो मैंने क्लास करूँ तो सू डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे डाकि तो निश्चित भाव में जाकि देखिपर जे फ्लुइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी कथा जी आम कह ये आपंकर किए डेवलप करते स्पीयरमैन एंड थर्स्टन रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न जिन पियाजेट एंड बाइगोड्सकी चार्ल्स स्पीयरमैन आउ गोटे हूँ अल्फ्रेड बिनेट तो निश्चित भाव में जदि आम यार करेक्ट आंसर कथा आम कह तो यार करेक्ट आंसर हूँ आपंकर आसीज ऑप्शन नंबर बी सहित जो मैंने ऑप्शन नंबर बी सहित कम करो से करेक्ट आंसर अच्छी तुम रेमंड कैटल आउ जॉन हॉर्न ही कौन करते तो यार जो रही उपस्थापना करें तेणु करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर क्या सहित जीव ऑप्शन नंबर बी सहित जीव करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कही डेवलपमेंट इन ए ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पिलार डेवलपमेंटा कौटू स्टार्ट होता है पिलार डेवलपमेंटा कौटू स्टार्ट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लाइक कर सेयार कर तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर पिलार डेवलपमेंटा कौ स्टेज रु स्टार्ट होता है प्रायत तो बहुत सारा पिला क्लास करूना रिमूव कर दिव 4-5 जन को रिमूव कर दिव किसी असुविधा ना तो बारंबार भी कौच रिमूव कर दिव तो से ग्रुप रे केते जन को आम मेंटर करूँ आज तो से ग्रुप रे आम केते जन को मेंटर करूँ जोटा कि आम ग्रुप आउ टे अधिक प्रोग्रेस हो पार तो करेक्ट आंसर कौन हम तो प्रीनाटल स्टेज जोटा कि मातृगर्भर थी पिलाटी मातृगर्भ तो जानते समस्ते तो मातृगर्भर जो थाए पाटी जो अवस्था तो सही अवस्था को आम साधारण भाव में प्रीनाटल स्टेज बोली आम कही तो किए कह पाटी मातृगर्भर केतेदिन रहा से एनवायरमेंट को आसी थाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर चलो नेक्स्ट द फास्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द फास्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट करेक्ट आंसर कौन हम जल्दी जल्दी आंसर करो राति 9 बेले पुणी क्लास जो रिज्यूम रहा 9:15 आम स्टार्ट करवा कि आप्लिकेसन बेस्ट क्वेश्चन बुझिपारुच ठीक अच्छे तो कह करेक्ट आंसर कौन हम ओके संतोष संतोष तुमको गोटे ग्रुप रे मेंटर करिया पड़ो तुम तो रेगुलर क्लास करुच तो करेक्ट आंसर हो प्रथम आम शारीरिक
विकास हम तापर बाकी जो विकास गुड़ाक रही हूँ तुम अंगांगी भाव में जड़ित एक तुमने समस्त जाच जो मैंने के भी एस प्रिपेरेसन करुच जो मैंने के भी एस फर्म पकई छुआ यही भाया क्वेश्चन डायरेक्ट आसव आ जेटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये थोब जितेबाला जेटी आसो तुम देख बुझिपार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि मुझ तुम्हें गत काली गोटे कही मन पड़ी समस्त होती कौन कौन थिला सेटा से जो पर्टिकुलर वार्डटा कौन थिला समस्ते परस्पर सहित संपर्कित पर्टिकुलर वार्डटा कमेंट सेक्शन कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही ह्विच अफ द फलोईंग क्वेश्चन कही ह्विच अफ द फलोईंग टाइप अफ इंटरव्यू क्वेश्चन रिक्वायर्स येस और नो क्वेश्चन क्वेश्चन कही ह्विच अफ द फलोईंग टाइप अफ इंटरव्यू क्वेश्चन रिक्वायर्स येस नो रेस्पन्स मिरर क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन बाइपोलर क्वेश्चन ना आपंकर ओपन एंडेड क्वेश्चन तो लास्ट ऑप्शन टाक तो देखिक आम काटिपर लास्ट ऑप्शन टाक आम देखिक काटिपर तेणु करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर सठिक आंसर टी कौन हम निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया तो भल से देख ये तुमको येस एंड नो टाइप क्वेश्चन पचारि तो ओपन एंडेड क्वेश्चन केवे भी हेनी तो यहाँ बाइपोलर क्वेश्चन सहित जी कहीं कहल बाई मैंने दुई आईदर पिला येस कह नचे हूँ नो कह बुझिपार तो करेक्ट आंसर हूँ बाइपोलर जो मैंने देखते से करेक्ट आंसर अच्छी कौन से असुविधा ना पूरा ठीक ठाक अच्छे आंसर आग को आम बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा कह जेंडर आउ सेक्सुआलिटी ये दुटा कौन जेंडर आउ सेक्सुआलिटी यहाँ कौन सीटीटे बहुत थर ये क्वेश्चन टाइम रिपीट करे यही थर भी तुमने जो मैंने सीटीट परीक्षा देच तो से मैंने भी तुमने जाणी थो जे जेंडर आउ गोटे हूँ तुम कौन ना सेक्सुआलिटी जितेबाला आम कह ये कौन ना जेंडर हूँ सबूत हूँ तुम सोशियाल सहित आसव आउ सेक्सटा हूँ तुम कौन आसव ना सेक्सटा हूँ तुम जोटा हूँ पर्सनाल आइडेंटिटीज भितर आसव बुझिपार तेणु करेक्ट आंसर कौन हम ना ये बोथ आसव ऑप्शन नंबर ए एंड डी आसव बुझिपार सब मन रख जेंडर हूँ सोशियाल फैक्टर आउ तुम हूँ सेक्सुआल सेक्सुआलिटी जोटाक आम लिंगगत कथ कौचे तो सहीटा हूँ अलवेज बायोलोजिकल आस्पेक्ट भितर ही आसूँ तेणु यार करेक्ट आंसर जब आम कह ऑप्शन नंबर डी जो मैंने देखते तो से करेक्ट आंसर अच्छी कौन से असुविधा ना ठीक अच्छे जो मैंने पीडीएफ चाहूँ निश्चित भाव में पीडीएफ तुम देखिपर थो पिन कर नंबर बा थंबनेल दि जाइए नंबर में मतलब व्हाट्सअप कर ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द जेंडर इज कॉल्ड डेस जेंडर स्टेरियोटाइप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना जेंडर रूल जेंडर सोशलाइजेशन क्वेश्चन को टी बुझा तो ये प्रथम कथा कही सिस्टमेटिक प्रथम कथा दुईरे से कही एक्सक्लूज कर बाहर कर एक्सक्लूजन एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेंडर जेंडर को लेकिन आम ट्रीटमेंट करवा इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट करवा तो सहीटा को आम कौन कह सहीटार डेफिनेशन कहार डेफिनेशन सहित तुम आसूचे यहाँ कहार डेफिनेशन सहित तुम आसूच तेणु एक्सक्लूजन कथा कहले मैंने आम ये कौन करवा तो करेक्ट आंसर हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सहित जी डिस्क्रिमिनेशन जोटा हूँ तुम कौन पृथक बुझिपार करेक्ट आंसर हूँ जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखते तो से करेक्ट आंसर हूँ एब्सोल्युटली राइट आंसर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार ह्विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस कौटा गोटे कारण नुहे तो हेरिडिटी एनवायरमेंट मैच्योरिटी आ गए अच्छे आपंकर गाइडेंस कौटा हम करेक्ट आंसर कौटा हम हेरिडिटी एनवायरमेंट मैच्योरिटी गाइडेंस कौटा हम करेक्ट आंसर कौन कौटा गोटे इंडिविजुअल डिफरेंस रो कारण नुहे हेरिडिटी एनवायरमेंट मैच्योरिटी बी रहिबो किंतु तुमरो गाइडेंस रहिबो नहीं ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर बुझेगा गाइडेंस चलो नेक्स्ट रवि जड़े गुड एट स्पोर्ट्स खेल बहुत भल सी बट इज नॉट गुड एट दि एकेडमी एटा कार एग्जांपल
इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर ना आपणकर इंटर चेंजेबल डिफरेंस ना आपणकर नॉन ऑफ दिस कोडा बो करेक्ट आंसर। से बहुत भलो करू छी स्पोर्ट्स रे किंतु एकेडमिक क्षेत्र रे तार परफॉर्मेंस भलो नुए बुझिपारु छ। तेणु एकेडमिक क्षेत्र रे तार परफॉर्मेंस रा भलो नुए एटा कोन हो इंटर हो या इंट्रा हो के कहबो करेक्ट आंसर। बाकी दुटा ऑप्शन हो ना ऑप्शन नंबर बी एंड डी को मु काटी दऊ छी करेक्ट आंसर कोन हो इंटर चेंजेबल हो ना एटा मन रख इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कौन कहली इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बुझिपार इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस जोटा कि तुम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस हम क्या कह ना जेतबेले सेम पर्सन को कौन कहली ना जेतबेले सेम पर्सन को आम ऑब्जर्व करवा कौन ऑब्जर्व करवा ना सेम पर्सन को दुटा डिफरेंट काइंड रे आम कौन करवा ऑब्जर्व करवा तो सेतबेले ताकु कौन कह जाए इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बुझिपार तेणु ये दुईटा कथा को ऑब्जर्व कर दुईटा डिफरेंस भी देखा जाऊँगी। तो गोटे क्षेत्र में हूँ स्पोर्ट्स गोटे क्षेत्र में हूँ तार एकाडेमिक तेणु एकाडेमिक रे से भल करूना स्पोर्ट्स रे बहुत भल कर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो मैंने तो से पूरा एक्यूरेट आंसर अच्छी एवं से सठिक आंसर दे तो करेक्ट आंसर वर्तमान आम देखा ऑप्शन नंबर ए जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छे है ना। तो प्रदीप्त पाड़ी प्रदीप्ता पाड़ी मैडम कही रखुची मैडम आम पेडबैच आरंभ हम व्यस्त हो कि आवश्यकता नहीं आम पेडबैच करू है तो आम पेडबैच करूँ सिस्टमेटिकली आम गूगल मीट रे पढ़ेबू व्यस्त होवार किसी आवश्यकता ना बर्तमान आम इंग्लीश पाई 100 टंका देकी पिला माने पढ़ुचंती इंग्लीश एवं ज्योग्राफी काना सार द्वारा एवं ता सहित आम बीड बैच चली बीड बैच पिला तो 15 तारीख से मैंने सरी 15 तारीख बीड पिला सरी सरीगला आम सी एच टी आउ ओटीईटी आम क्लास स्टार्ट करूँ है बेस्ट फैकल्टी गूगल मीट आउ लिमिटेड पिला आम दे पारू लिमिटेड पिला है लिमिटेड पिला आम नबू बेसी पिला भी नबुनु है कि आम जात्रा करूनु कि आम बेपार उद्देश्य रहीबुनु आउ इफेक्टिव प्राइस रोटा कि आपणकर रही है व्यस्त होवार किसी आवश्यकता ना जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हे निश्चित भाव से मैंने जापर आम दुई प्रकार जिनस करूँ गूगल मीट रे पढ़ेबू ता सहित रेकर्डेड भिडियो भी देवु एतिक परिश्रम कहीं भी करेनि आउ यूट्यूब जो भाया चलू से भाया चलो स्पेशल रखिबु ना आम इफेक्टिव प्राइस पढ़ेबु गूगल मीट रे क्लास देवु ता सहित रेकर्डेड भिडियो भी देवु दुई दुई थर गोटे क्लास को आम दुई थर देवु बुझिपार पूरा सी एच टी कम्प्लीट पैकेज रही है चलो मैडम पार्वती मैडम आप मतलब क्लास सरला कल करेंगे बुझिपारे आप मत क्लास कर सारापुर मत कल कर किसी असुविधा ना है हाँ जिनिया जाणी बीड रो एडमिट कार्ड आसी तो पिला आज गूगल मीट रे क्लास करूँ आमर टीचिंग एप्टीट्यूड आज मोटिवेशन पढ़ाऊँ तो से आम डिस्कसन करूँ तो किसी पिला भी एडमिट कार्ड जापर ना तार कारण हूँ रूल नंबर को टी से प्रोब्लेम से रूल नंबर टा दे पिला खोजिक भी पा ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ हेरेडिटी एटा बायोलॉजिकल क्वेश्चन आउ ये डिटो क्वेश्चन तुम उटीट आसाला देखो 2019 मसीहा क्वेश्चन आसाला बुझिपार कह जेटी दबू जेटी टी लेट हम आम एकाथर नहीं क्या गुले घाटे आम पैसा नहीं कि ठकेबुन क्या पाखर सब आस एकाथर पैसा दि सब आम ग्रुप रुह पछर आम पछर तक पढ़ेबु से प्रकार भगवान आमको क्षमा करेंगे बुझिपार आम जो पारू से मुझे बेपार करने उदेश्य रही थे बैनर मारिक बुली था बुझिपार आम जो पार भगवान आमको जितक दे बहुत देखें आम फ्री में पढ़ाऊ बर्तमान सुधा पढ़ेबू आम जदि क्या बर्तमान सुधा लंग टर्म रही आपंकर सी एच टी एपर्तंत सुधा डिले चलू आम जदि बेपार करूँ ये आम बहुत पैसा तीन चार टर्म पैसा नहीं सारे बुझेगा आम जो पाइचु से बहुत मानने ये किसी ना आप ग्रुप रुहं आम तो से जो ग्रुप रे फ्री रे जॉइन कराऊ आपको पीडीएफ भी दौ आप भावुवे आप पीडीएफ पा ना प्रत्येक दिन आप पीडीएफ पाथ्ये ये क्लास सर पीडीएफ आम प्रोवाइड करूँ है चलो नेक्स्ट कह करेक्ट आंसर लॉ ऑफ वेरिएशन लॉ ऑफ
प्रैक्टिस रिग्रेशन रिजेम्बलनेस कौटा हम करेक्ट आंसर कह बायोलॉजी स्टूडेंट बायोलॉजी स्टूडेंट कह यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर बायोलॉजी स्टूडेंट करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड ये लॉ ऑफ प्रैक्टिसटा हो तुम ट्रायल एंड एरर थ्योरी अच्छी एटा तुम एसब ना ठीक अच्छे आगे को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनर स्पीच कथा किए आप इनर स्पीच कथा आप किए कही केत लाइव अच्छे 232 पीडीएफ केमी पाइबे जो नंबर दिया दिखाई व्हाट्सएप करूँ आज ग्रुप फेर गोटे नुआ ग्रुप ओपन हम आज गोटे नुआ ग्रुप ओपन हो जॉइन होगा कथा जॉइन हो पार आज गोटे नुआ ग्रुप ओपन नुआ ग्रुप गोटे ओपन करेंगे आज नुआ ग्रुप जॉइन हो पार नुआ ग्रुप नेम को लिखे नेम न लिखले आम जॉइन करेबुनु कही रखुच हु वाज इंट्रोड्यूस एट इनर स्पीच कथा किए देते ना इनर स्पीच तुम कनसेप्ट देते हूँ बाइगर्ड्स की देते किए देते बाइगर्ड्स की देते ठीक अच्छे बहुत बढ़िया फेर मु 9:15 आसबि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाइगर्ड्स की अनुसार एट इनिशियल स्टेज ऑफ द लाइफ लैंग्वेज एंड थॉट्स आर डैश डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड को रिलेटेड सब गुड़ाक पॉजिटिवनेस सहित रही बुझेगा खाली रेकर्डेड वीडियो आम तो 40 वर्ष होगा रेकर्डेड वीडियो आम रेकर्ड करके रखीचु तो ताकू तो आम दे पारं अच्छी ना से प्रकार रेकर्डेड वीडियो हेल्ले टीचर स्टूडेंट भितर इंटरेक्शन आम कम स्टूडेंट नबू आम नोटिफिकेशन को अपेक्षा करूँ आउ नोटिफिकेशन आसे आम कहून जो आम पेड बेच चली से आम कौन प्रकार ये नुहे बुझिप हाँ काली भाई यही लाइव हम रिज्यूम हम काली भाई यही लाइव हम तो करेक्ट आंसर कौन हम ना यहाँ हूँ तुम लैंग्वेज आउ थॉट्स ये परस्पर होती तुम कौन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आउ थॉट्स ये परस्पर होती इंडिपेंडेंट कहीं ना ये पियाजेट थियोरी को डेफिक करके कनसेप्टा को कही बुझिप तेणु यार करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कहीं पियाजेट आउ बाइगर्स्की भितर दुटा डिफरेन्स मन पड़ू तो पियाजेट थॉट को धरते बाइगर्ड्स की क्या धरते लांगुएज को धरते बुझा पड़ी समस्त को क्लियर समस्ते बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफालो कैजुअल टेंडेंसी द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेफालो कैजुअल तो सेफालो कैजुअल टा कुआड कुआड को जाई थाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सेफालो कैजुअल सेफालो कैजुअल आपंकर कौट कौट की जाए यह समस्ते जानी थो बेस समय ने तो गोटा हूँ तुम हेड टू फुट ऑप्शन नंबर ए जो मैंने देखते तो सेमकर करेक्ट आंसर अच्छी बहुत बढ़िया आगे को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी फैक्टर थ्योरी आप किए देते जी फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन देते कैटल देते गाल्टन देते नन अफ दिज 2019 मसीह डायरेक्ट बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पकड़ा डायरेक्ट बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पकड़ा बुझिप तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया एटा स्पीयरमैन देते स्पीयरमैन आ तार फिगर भी मुझ तुम मानक बारंबार कही जी तुम जनरल फैक्टर हुए युवा कहूँ तार गोटे गोटे स्पेसीफिक फैक्टर बुझेगा युवा कहूँ तार गोटे गोटे स्पेसीफिक फैक्टर मन रख यार फिगर गोटे सेकेंड मशा कामुड़े मुझे गोटे सेकेंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एटा स्पीयरमैन देते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी तो नेचर क्या सूचाए तुम तो भाव नेचर नेचर हूँ प्रकृति तुम तो भाभी दब प्रकृति प्रकृति मान हूँ परिवेश मान हूँ आटमोस्फियर बहुत सारा पिलाटा भूल करती मुझे देखी बहुत सारा पिलाटा भूल करती तो कह करेक्ट आंसर कौन हम 300 स्टूडेंट हो पारे एत सारा पिला अच्छा एत सारा पिला भल पाइबा अच्छी 300 स्टूडेंट हे निश्चित हे
तो कह करेक्ट आंसर कौन हम नेचर नर्चर जो कंट्रोवर्सी रही तुम जोटा को डिबेट्स बोली कह जाए बुझेगा तो नेचर क्या रेफर करे नेचर क्या रेफर करे नेचर क्या रेफर करे करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड बहुत बढ़िया बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्सपीरियंशियल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स ना बोथ एंड बी तो करेक्ट आंसर केबे भी तुम बायोलॉजिकल आसीबो ना तेणु करेक्ट आंसर होची नेचर कहले आम साधारण सॉरी 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 बायोलॉजिकल एटा नेचर होची तुम हेरेडिटरी बा राइट करेक्ट आंसर होची तुम बायोलॉजिकल प्रोसेस हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर आ नर्चर होची तुम एनवायरमेंटल फैक्टर राइट तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही द पैसिव एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन जो सोशलाइजेशन प्रोसेस रही एथेरे पैसिव एजेंसी रूप किए कार्य करे कही रखुचे नौटा पंदर इग्नो बीएड रे आसीबा क्वेश्चन गुड़ाक मुझे लगेबी निश्चित भाव में यही लाइव तुम भाव अलग किसी लाइव हम ना अलग किसी लाइव हेनी यही लाइव सेक्शन ही चलो मुझे रिज्यूम करदेवि फायर तुम मैंने लिंक प्रोवाइड कर आसो तुम मैंने आसुन खाली बहुत सारा पिला आसिलोनी खाली पीडीएफ आम तो मना करदेव सर आम आसबुन मुझे क्लास अनलिस्टेड करके मुझे पढ़ेबी जो पांच छः जन पढ़े तो करेक्ट आंसर कौन हम तुम पैसिव भितर तुम पब्लिक लाइब्रेरी आसो आ जो थिएटर आसो बुझेगा तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विथ ब्लैंक स्लेट व्यू ऑफ द डेवलपमेंट हजार थर मुझे एटा तुम किए कही ब्लैंक स्लेट मंटेश्वरी कही ना जॉन लॉक कही ना सोक्रेटिस कही ना प्लाटू कही तो करेक्ट आंसर कौन हम जल्दी जल्दी आंसर करो लाइक करो शेयर करो तो किए कही को सब वाले जॉन लॉक ही एक कथा कही तुम ब्लैंक स्लेट व्यू ऑफ द डेवलपमेंट चलो नेक्स्ट हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बुगुडोल एक्सपेरिमेंट किए करते इवान पाब्लोव ना आपणकर स्किनर ना आपणकर एरियन बेक ना आल्बर्ट बंदुरा करेक्ट आंसर कौन हम मन रख करेक्ट आंसर हूँ आल्बर्ट बंदुरा बुगुडोल एक्सपेरिमेंट करते चलो नेक्स्ट पूरा फास्ट मोड को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जे या भितर जदि आम आईक्यू लेवल देखा मुझ तुम मूँ एस बी भाई लाटेस्ट मॉडल गत काली पढ़ी ठीक ठाक है अब ठीक ठाक है तो ना कार किसी प्रॉब्लम एवं ठीक ठाक अच्छे तो ये सर नु लिख दियो आगे पड़ेगा बीएसएनएल नेटवर्क पड़ेगा एवं ठीक ठाक अच्छे ना नहीं अरे ठीक ठाक अच्छे कि ना ये बोले लिखले आगे को जीवा ना बस ये अरे ठीक ठाक अच्छे कि ना ये बोले लिखले आगे को जीवा चिल्ड्रेन विथ डैश फेस ट्रबल ए लाइन रे मु क्लास करे कटियोला नेटवर्क कटियोला तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम एबे सुबुझ कि नहीं ठीक ठाक अच्छे तो आगु को जीवा चलो कहो क्वेश्चन कही चिल्ड्रेन विथ डैश फेस ट्रबल इन साउंड सिंबल करेस्पोंडेंस डैश ता माने टीचर डाकुचंती बी पिला लिखुची डी टीचर डाकुचंती एम पिला लिखुची डब्ल्यू ताले एटा कहा सहित आपन को रिलेटेड किछ नै क्लास कटिबोनी गुडा कथा जानि जो क्लास आउ कटिबोनी आगरु जो बला प्रॉब्लम होतला मन दु कहुतला क्लास कटि जाउतला आउ से प्रकार प्रॉब्लम होबो नै बुझि पर्छ तो करेक्ट आंसर कोन हो करेक्ट आंसर वेरी गुड
बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर। जो मैंने आमर करेक्ट आंसर देखते डिसलेक्सिया तो से करेक्ट आंसर अच्छे कहीं तार कारण ऑलरेडी तुम मूँ कही सारी। ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एवं तुम देखु क्लास को हमें रिज्यूम करके भी पलि जाऊ क्लास कटिबार ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिमेडी फॉर द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कौटा बेस्ट रिमेडी फॉर द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ लर्निंग। ऑप्शन अच्छी हार्ड वर्क सेल्फ स्टडी डायग्नोस्टिक टीचिंग नॉन ऑफ दिस कौटा हम बेस्ट रिमेडी कथा पचार तो करेक्ट आंसर कौन हम जल्दी जल्दी आंसर करो तो कहो करेक्ट आंसर कौन हम। वेरी गुड बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर हो डायग्नोस्टिक। चलो नेक्स्ट स्पीड मोड रे करवा। चलो नेक्स्ट कहो क्वेश्चन पचार ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एक्सक्लूडिंग या भितर कौटा आपणकर इंटेलिजेंस टेस्ट भितर आसुना इंटेलिजेंस टेस्ट भितर कौटा आसुना इंटेलिजेंस टेस्ट भितर खाली घूरला मैंने तुम्हें तुम घर को चल तुम्हें भी घूरल ना कौन जोटे टी घूरला तुम्हें भाव टेक्निकल प्रॉब्लम हाँ बड़ बड़ चैनल जितको सब बड़ बड़ चैनल भी टेक्निकल प्रॉब्लम रोचे बुझी पार्च तुम्हें भाव घूरला मैंने आम भी घूरीगलु एभलिया जी परीक्षा हल्ला जब बस थोड़ा कंप्यूटर मन चलानी है था पलिया देखिया आउ थर को दबा बुझी पार्च कौन बेटा स्टैनफोर्ड बिनेट वेस्टलर बिनेट तापर अच्छी बायलाल स्केल ना रिसर्च टेस्ट कौटा हम आई थिंक ऑप्शन नंबर डी बोधे जीव करेक्ट आंसर डी हम कहीं ये तुम पर्सनालिटी टेस्ट पर यूज करा जाए बुझी पार्च ठीक अच्छे आगे जावा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक या भितर कौटे गोटे प्रोजेक्टिव टेक्निक नुहे प्ले टेक्निक वार्ड एसोसिएशन टेक्निक ना आपंकर पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट केस स्टडी। अच्छा किए कही पार व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक हु कैन से व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन हम केत लाइव रे अच्छे प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन रे जोटा हूँ तुम ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस को निया जाए ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस बुझी पार्च तुम हूँ प्रोजेक्शन को यूज करके तुम प्रोजेक्टिव मेथड को व्यवहार करा जाए बुझी पार्च तेणु प्ले टेक्निक वार्ड एसोसिएशन पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट केस स्टडी तो या भितर जब आम देखा यहाँ तुम हूँ रही तुम से पर्सनालिटी चैप्टर रही मन रख केस स्टडी एथे निएनि मुझ तुमको बारंबार कही पर्सनालिटी चैप्टर आमको ओटीईटी बैच रे स्पेशली आमको पढ़ाक पड़ो बुझी पार्च। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही व्हिच टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबल विथ द टर्म मोटिवेशन सुनीता आज पढ़े तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर यही थर सीटीटी एमती आसला ओके बहुत बढ़िया निश्चित भाव में कौटा हम करेक्ट आंसर इनसेंटिव इमोशन आउ गोटे हूँ तुम नीड्स आउ गोटे इंस्पिरेशन इंटरचेंजेबल तो कहो कौन हम करेक्ट आंसर लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित होगा दरकार करेक्ट आंसर कौन हम नीड नीड है नॉट दे कि गोटे सेकंड रो ना ना ठीक अच्छे नीड्स है मोटिवेशन मीन्स नीड्स हला इंटरचेंजेबल कर माने ता बदल एटा को माने बसई पार मुझा तुम मानक सब कही जे मोटिवेशन टा सब गोल ओरिएंटेड हला आउ नीड जहाँ आम आवश्यकता रही कौन थी सेटा मास्लो थियोरी ऑफ हायरार्किकल नीड थिला ना नहीं थियोरी ऑफ मोटिवेशन मन पकाओ मास्लो थियोरी ऑफ हायरार्किकल कौन थी से हायरार्किकल कौन थी कह मत आंसर से जो थियोरी थियोरी ऑफ हायरार्किकल कौन मोटिवेशन थिला
ना इंस्पिरेशन थिला ना नीड थिला ना इमोशन थिला कौन जे नाना ठास कुमारी कोनी तुम निजे भी थ्योरी पढ़ी गेस सेटा गोटे मोटिवेशनल बुझिपार कि नहीं बुझिपार क्लियर समस्ते पढ़ी ना नहीं चलो नेक्स्ट मा लार्जेस्ट एंड चिल्ड्रेन आर जनरली सीन इन ब्रोकन फैमिली रूरल एरियाज नॉन ऑफ दिस पुअर फैमिली माल अडजस्टेड चिल्ड्रेन एटा साधारण कौ जगार देखा जाते किसी ना लिपु तुम्हें पाठ को फोकस करो से न आसतु एत तेल ही पढ़े हेनी आम तो पेडबेज करवा किसी टेनसन ना है तो करेक्ट आंसर कौन हो रूराल एरिया पुअर फैमिली कौटा हम करेक्ट आंसर पुणी घूरला ना तो पुणी घूरी लगे ब्रोकन फैमिली रूरल एरियाज नॉन ऑफ दिस पुअर फैमिली कोड़ा वो करेक्ट आंसर घूरला मैंने पलैबा ना कौन कौज पलैबा ना तो कहे आरंभ है पेडबेच आरंभ हम व्यस्त हो कि आवश्यकता नहीं ब्रोकन फैमिली रूराल एरियाज नॉन ऑफ दिस पुअर फैमिली कौटा हम करेक्ट आंसर माल अडजस्टेड चिल्ड्रेन ना तो ठीक ठाक अच्छे सब वेरी गुड गोटे ब्रोकन फैमिली हला गोटे ब्रोकन फैमिली नेक्स्ट इनक्लूसिव एजुकेशन बिलीव्स दैट वी नीड टू चेंज द डैश टू फिट द डैश इन इट हजार थर ये क्वेश्चन टा कराई आम सब क्या परिवर्तन करवा आम सब क्या परिवर्तन करवा इनक्लूसिव एजुकेशन पिला परिवर्तन करवानी आम जदि परिवर्तन करवा आम सिस्टम को परिवर्तन करवा एवं सिस्टम को परिवर्तन करवा एवं सही सिस्टम रे आम क्या फिट करवा ना से सिस्टम रे आम पिला ही फिट करवा तेणु यार करेक्ट आंसर हूँ सिस्टम प्रथम हम तापर हूँ तुम चाइल्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सहित जीव ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट कह किए गोटे तार चंडी पाठ कला ना कौन कह Which of the following is an appropriate method for teaching gifted learners? गुटे पिला गुटे gifted learners तुम क्लास रे अच्छी कौन भी BSNL टावर पड़े गला बिस्नल टावर एपर्त आईले तो करेक्ट आंसर कौन कन्वर्जेंट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग बोथ बी एंड सी राइट एटा दीटा मत हम बी आउ सी सहित तुम जीव बी आउ सी सहित तुम जीव तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो माल अडजस्टेड मैंने किए जन पचार सर माल अडजस्टेड मैंने जोटा सोसाइटी सहित से आडजस्ट करना बुझेगा माल आडजस्टेड अर्थ होटा बुझिपार चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी या भितर क्रिएटिविटी कौटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे या भितर क्रिएटिविटी कौटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे सेटा माल न्यूट्रिशन एटा माल आडजस्टेड माल न्यूट्रिशन टा होची तुम अपपृष्टि माल आडजस्टेड हूँ तुम सुसाइड सहित निजी आडजस्ट कर सब अलग रही थोड़ा अलग रही चेस्टा कर
ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଇଲାବୋରେସନ୍, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି, କେଉଁଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ପିଲାର କ'ଣ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଇଲାବୋରେସନ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ, କେଉଁଟା? କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଯଦି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ଯଦି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ତାହେଲେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି କାହିଁ ରହିବ? କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ସେପଟରେ କହୁଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ, ଏପଟରେ କହୁଛି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ। ପାଗଲ ହେ ଭାଇ, ପାଗଲ ହେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କ୍ଲିଅର? ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚଲ ନେକ୍ସଟ, ଚଲ ନେକ୍ସଟ। ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ମେମୋରୀ, ପରସେପ୍ସନ୍, ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଟେକିଂ ଇନ୍, ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା। କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ପରସେପ୍ସନ୍? ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ? ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅନୁଭୂତି। କିଛି ଗୋଟେ ସିନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରସେପ୍ସନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ହୁଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଗ୍ନିସନ୍? ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଗ୍ନିସନ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍, କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ? ନଅଟା 15ରେ ପୁଣି ଆସିବି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ହୁଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଯେତିକ ପଢ଼ା ହେଲା ସେତିକ PDF ମୁଁ ଦେବି ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତ ଯେତିକ ପଢ଼ା ହେଲା ସେତିକ PDF ମୁଁ ଦେବି, ତ 9:15ରେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତ କୁହ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା ଆସିବ ନାହିଁ? ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେବ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଡୋମେନ୍ରେ ଆସୁଛି? ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଆସୁଛି ତୁମର ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କାହା ସହିତ ଆସୁଛି? ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଜ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନା ତୁମର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟଲୁକ୍, ନା ତୁମର କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନା ଏମ୍ପାଥି? ସୋସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କ'ଣ ଏଇଟା? ଭେରି ଗୁଡ଼। ନା ଏଇଟା ଏମ୍ପାଥି ହେବ। ଏମ୍ପାଥିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ ଆସୁ ସେ ଆୱାରନେସ୍କୁ ଆମେ ଖାତିର କରିବାନି ହେଲା। ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତିନି, ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଠକିଛ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଜେମ୍ସ ଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍, ଇମୋସନ୍ସ ଆର୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଡେସ୍। ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟାର PDF ନେଇକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଟାବା ମଡ଼େଲ, ଟାବା ମଡ଼େଲ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାବା ମଡ଼େଲ? ଟାବା ମଡ଼େଲ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାବା ମଡ଼େଲ? ଟାବା ମଡ଼େଲ, ତବଲା ରସ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପପୁ ନନା, ସାର୍ ଜୁହାର। ପପୁ ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଜୁହାର ଜୁହାର। ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ସଦୃଶ, ବଡ଼ ଭାଇ ପରି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ, ମାନେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ସିନିୟର, ଓକେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପପୁ ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। କୁହ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ?
एटा गोटे टीचिंग आप्रोच हम करेक्ट आंसर बा टीचर आप्रोच एटा वन टाइप ऑफ टीचर आप्रोच है टामा मॉडल 9:15 यही पेडागोजी क्लास चलो से कितु गोटे आप्लिकेसन बेस्ड क्वेश्चन आसो है चलो नेक्स्ट एम ऑफ द लर्निंग शिक्षण उद्देश्य कौन हवा दरकार मेंटल डेवलपमेंट हम ना चेंज इन बिहेवियर हम ना तुम प्रोवाइड द कोचिंग हम ना इनक्रीज द मेमोरी या भितर गोटे जिनस ठीक कर आउ बाकी गुड़ाक हूँ तुम कौन गोटे हूँ तुम कौन कर ठीक कर तो कह करेक्ट आंसर कौन तो करेक्ट आंसर हूँ चेंज इन द बिहेवियर आम जानते आचरणगत परिवर्तन को बा व्यवहारगत परिवर्तन को आम साधारण भाव कौन कही था शिक्षण बोली कही था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्टिव लर्निंग या भितर एक्टिव लर्निंग सहित कौटा जड़ित नुहे स्पीड मोड छुआ टाइम होगा 9:30 होगा आ बेस समय रही होनी कि आम 15-20 मिनट भितर 40-45 मिनट भितर खाई कि फेयर क्वेश्चन नहीं आसवा है तो कह करेक्ट आंसर कौन हम जदि 9:15 ना तो 9:30 फाइनाल हम मुझे मेसेज करदेवि है ओके बासंती मैडम किसी असुविधा ना जो कम अच्छे किसी असुविधा ना तो कौन हम करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्टिव लर्निंग कौन हम डेमोनस्ट्रेसन मेथड पढ़े ना छुआ तुमको पीडीएफ दे ना तेणु करेक्ट आंसर हूँ डेमोनस्ट्रेसन डेमोनस्ट्रेसन टाइम टीचर्स एंड ट्रेड मेथड नेक्स्ट द थिंकिंग प्रोसेस इन द चिल्ड्रेन आर बेस्ड ऑन डैश किए कह पिलार जो चिंतन शक्ति यहाँ क्या आप पर्यवेक्षित सोशल डिफरेंस केबे भी हेनी प्रथमटा हम मैनिफेस्टिन मैनिफेस्टेन्स आउ गोटे हूँ तुम कौन इमिटेसन तेणु तुम मन भर में क्वेश्चन उठुव जे सारे मैनिफेस्टेन्स अर्थ कौन यार अर्थ हूँ कि गोटे घटवार आभास मिलवा कि गोटे घटवार संकेत मिलवाक आम साधारण भाव में मैनिफेस्टेन्स आम था ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट आज नुआ ग्रुप क्रिएट होजी आम नुआ ग्रुप क्रिएट करुचु जदि जॉइन होबार अच्छी तेल निश्चित भाव में जॉइन हो पार फ्री रे कौन से पैसा पड़बनी फ्री रे है चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हर्बर्टियन अप्रोच इन द लेसन प्लान लेसन प्लान रो जो हर्बर्टियन अप्रोच रही भितर कौटा आप रही से पचार कौटा गोटे आपणकर फर्स्ट स्टेप उड़ाव मन रख सब क्षेत्र खाली तांकर नुहे प्रिपेरेसन किंतु आउ रही कथा प्लानिंग तो प्लानिंग जेहेतु ना तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी सहित जीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द लर्निंग लर्निंग कौटा आप मोस्ट एसेंशियल गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपणकर हाई इंटेलिजेंस गुड स्कूल आउ गोटे अच्छे आपंकर डिजायर टू लर्न करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड जिते पर्यंत गोटे पिला शिखबार इच्छा ना तुम्हें तो ग्रुप रहा जिते सेयार कले कौन हम कूटी कचाड़ी हो मरी जाओ किसी हेनी सी आसवे ना जो मैंने पीडीएफ चक्कर रही बुझिपार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कही एट दि प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाज गिवेन मोर इम्पोर्टेंस देन राइटिंग यहाँ क्या पर्यवेक्षित क्या पर्यवेक्षित कौन एटा छुआ तुम कह रीडिंग अलाउड व्वेन मोर जो इम्पोर्टेंस देन राइटिंग एटी पिला आगर प्रथम कौन कर जोर पार्टी करके पढ़े तापर लिखे एटा छुआ हूँ तुम कंडीशनिंग कंडीशनिंग थ्योरी मन पकाओ बेल्र साउंड बुझिपार जोटा तुम पढ़ी आसल पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ हूँ विशेषकर क्रिएट करता है केमी ना तुम मैंने जानी लांगुएज पढ़ेला बेले आम रीडिंग को बेस इंपोर्टेंस दे था तेणु से क्षेत्र में आपं करेक्ट आंसर कंडीशनिंग हम ये क्वेश्चन जो भी देखा पाइब कंडीशनिंग ही मार बुझिपार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रोपागेट्स दैट द मोटिवेशन ऑफ एनी बिहेवियर इज डिपेंड ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स कौन हम करेक्ट आंसर एटा सो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एटा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कही किए कही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी करेक्ट आंसर हूँ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट
एटा को आबसेंटिज्म कैन बी टैकल्ड बाय जो पिला माने विद्यालय को आसुना आबसेंट रहउछंती तो सेटा को हमें केमिति टैकल करिवा हाउ समस्त जॉइन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहित जीव दैट इज कौन कंटाक्टिंग विथ द पेरेंट्स कहीं पिला माने विद्यालय को आसुना तदारख करवा टीचर माने माने पेरेंट्स मान सहित रिलेशन कर इन हुई टाइप ऑफ लर्निंग ए प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एक्जिस्ट कौ प्रकार तुम लर्निंग रे गोटे प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रिलेशन एक्जिस्ट रहा फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सटर्नल आउ गए इंटरनल कौटा हम करेक्ट आंसर हूँ तुम फॉर्मल हम हला चलो नेक्स्ट डेवलपमेंट कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा डेवलपमेंट कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा तो ये कौन बट डेवलपमेंट कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा और बैक कैमरा है यार डेवलपमेंट कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा कह करेक्ट आंसर कौन हम डेवलपमेंट कहले आम साधारण भाव में कौन बुझा कौन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर कौन ऑप्शन नंबर सी सहित जीव कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर है ओके ठीक अच्छी।